हे गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी बज रहे हैं शाम का 6:30। तो गाइस, आज बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि मेरा सिटी खुलने वाला है। मैंने जैसा न्यूज़ सुना है, अभी 2-4 दिन में शायद मेरा सिटी खुल जाएगा लॉकडाउन से। और अभी रोड में काफ़ी हलचल देखने को मिल रहा है, रोड में गाड़ी चल रहे हैं, देखिए हल्का हल्का। पहले तो मतलब पूरा ही नहीं चल रहा था, अभी कुछ चालू हो गया है रोड में गाड़ी चलना। और मैं मार्केट की तरफ भी गया था, उधर भी थोड़ा हलचल चालू है। तो दोस्त, बहुत खुशी हो रहा है कि फिर से हम लोग का सेंटर वगैरह खुल जाएगा। बहुत मज़ा आ रहा सुन के। अभी तो मैंने काफ़ी मेंबर भी मैसेज किए थे मुझे जालों में, और पर्सनली मैसेज किए थे मैसेंजर में कि राकेश, 2-4 दिन के बाद हो सकता है सेंटर ओपन होगा। और सिटी के बारे में बोल रहे थे कि सिटी खुलने वाला है, तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ रोड का नज़ारा। मैंने आपको दिखा दिया रोड में क्या हलचल है। अभी थोड़ा बहुत तो गाड़ी मतलब चल रही है। आई होप कि सिटी जल्द से जल्द खुल जाएगा, क्योंकि पहले तो मतलब एकदम ही नहीं चल रहा था। अभी काफ़ी हलचल है रोड में, और लग रहा है आई होप कि मतलब जल्द से जल्द सिटी खुल जाएगा और बहुत मज़ा आएगा फिर से, क्योंकि अब घर में बैठे बैठे मतलब काफ़ी बोर हो चुके हैं हम लोग। मतलब 2 मंथ से हम लोग घर पर बैठे हैं और एकदम मज़ा नहीं आ रहा। सेंटर खुलेगा, योगा करेंगे, जिम करेंगे, आप लोगों को अपने मेंबर से मिलाएंगे, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा मेंबर से मिलके। फिर अपना योगा स्टूडियो दिखाएंगे, जिम दिखाएंगे, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा देख के किस तरह से मेरा योगा स्टूडियो है, किस तरह से हम योगा कराते हैं। और सब में पार्टिकुलर मैं ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊँगा। जिम का पर्सनली मैं ब्लॉग बनाऊँगा, योगा का पर्सनल मैं ब्लॉग बनाऊँगा, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। बस मेरा सिटी खुलने दीजिए, और भी बहुत सारा चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बस थोड़ा सा दोस्तों इंतज़ार कीजिए, और जो भी मेरे चैनल में नया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बस इसी तरह अपना प्यार मुझे देते रहिए। मैं ब्लॉग बनाता रहूँगा और आप लोग तक पहुँचाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों।